हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो भाई वीडियो को थंबनेल लेके समझ गए होगा वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। तो भाई हम जा रहे हैं भाई फर्स्ट टाइम फ्लाइट एक्सपीरियंस करने के लिए। तो भाई पहले हम निकल गए थे भाई कोरबा से रायपुर के लिए। तो देख सकते हो भाई हम ट्रेन में बैठ गए हैं एंड भाई टाइम पास कैसे होगा करके भाई मैं लैपटॉप खोल के भाई गेम खेलने लगा, जो कि भाई कोरबा से रायपुर जाने में 4 घंटे लगते हैं। तो भाई रायपुर पहुंच गए थे, भाई हो गया था शाम के 8:30 बज गए थे पहुंचते पहुंचते। तो भाई रायपुर में हम रात को स्टे करने वाले थे एंड दूसरे दिन फ़्लाइट पकड़ने वाले थे। तो भाई दूसरे दिन सुबह सुबह उठ गए थे भाई, ये सुबह का 6 बजे का भाई टाइम था। इस टाइम देख सकते हो भाई एकदम मस्त लग रहा था भाई, एकदम पूरा बिल्डिंग्स वगैरह में जो धूप पड़ रही थी ना भाई, एकदम हल्की हल्की सी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था भाई, जो हल्का हल्का धूप पड़ रहा था बिल्डिंग में। एंड भाई जल्दी से हम लोग भाई नहा वहा के तैयार हो गए। भाई मैं भी ज़्यादा कुछ एकदम समझ में नहीं रहा था क्या पहनूं, तो भाई एक नॉर्मल टी शर्ट एंड जीन्स एंड अपना एक क्रॉक्स डाल के तैयार हो गया था मैं। एंड भाई आसमान भी बहुत ही साफ था, बहुत ही अच्छा मौसम था, तो भाई कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं था। तो भाई जल्दी से निकल गए 2 घंटा पहले ही। भाई इंडियन पेरेंट्स को जानते हो भाई, जल्दी भाई एकदम 2 घंटे पहले ही निकल जाते हैं कहीं भी ट्रैवल करने से पहले। भाई फर्स्ट टाइम तो हम लोग को भी थोड़ा सा टेंशन सा मतलब था कि भाई क्या होगा नहीं होगा, भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो भाई देख सकते हो ये कुछ बाहर का माहौल था एंड अंदर भाई बाहर सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर जाने के बाद हम पहली बार जो घुसे थे भाई अंदर, मतलब मीन्स एयरपोर्ट के, भाई एकदम बहुत ही एक्साइटिंग सा लग रहा था। एंड बाहर में ही ऐसा कुछ एक ऐसा मीन्स सामान वामान रख के जो पुश करके ले जाते हैं वैसा टाइप का एक वो ले लिए थे, रैक बोलते हैं जो भी बोले इसको। एंड पापा उस रैक पुश करते हुए आगे बढ़ रहे थे एंड मुझे बोले भाई वीडियो अच्छे से बनाना, भाई वीडियो सब सारी सेंड करना मुझे अपने फ़ोन में। तो मैं वीडियो बनाने में लगा हुआ था एंड प्रॉपर एकदम मैं कैप्चर कर रहा था हर एक मोमेंट को, क्योंकि भाई ये एक यादगार चीज़ है भाई पहली बार हमारे लिए। तो एंड आगे जाते हुए भाई देख सकते हो ये भाई जो थे टैग लगा रहे थे बैग्स पे। तो हमारे पास भाई 3 बैग थे जिसमें सब सारे टैग वैग लगाने के बाद भाई हम चले गए थे भाई बोर्डिंग पास वाले जगह पे। बट अनफॉर्चुनेटली भाई हमको बोर्डिंग पास नहीं मिला, क्योंकि हमको पता ही नहीं था भाई, क्योंकि बोर्डिंग पास वहाँ मिलता है। हम मेरे पापा पहले ही टिकट दिखा के भाई बोर्डिंग पास को प्रिंट करके लेके आ गए थे। तो हम लोग को लगा भाई कि हमको बोर्डिंग पास मिलेगा बट नहीं मिला। तो भाई जो भी था अब क्या कर सकते थे, तो भाई जो बड़ी मम्मी थी हमको नाश्ता दी थी तो हम उससे पहले ही बैठ के खा वा के फिर उसके बाद निकल गए थे सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सिक्योरिटी चेक इन मतलब बेसिकली वो एक ऐसा था कि भाई टिकट चेक कर रहे थे वहाँ पर जो एक पुलिस वाले थे, वो टिकट चेक करने के बाद भाई था अब सिक्योरिटी चेक इन। उसके लिए भाई पूरा भाई आपको बेल्ट वगैरह मोबाइल्स वगैरह सब जो भी चीज़ वायर वगैरह कुछ भी चीज़ था सब निकाल देना था, जो आपके हैंडबैग रहते हैं उसको रखने थे। एंड हैंडबैग में भाई अगर कुछ भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह होगा तो भाई वो पकड़ लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे बैग में स्क्रू ड्राइवर था भी, क्योंकि भाई आपको पता ही है भाई मैं थोड़ा सा रखता ही हूँ कुछ ना कुछ। तो भाई मतलब इतना छोटा सा था कि भाई मेरे को पता ही नहीं था कि उसमें है, मैं सब जितने भी स्क्रू ड्राइवर पाना वाना मैं निकाल देता हूँ, पर उसमें था क्या कर सकते हैं। तो वो एक हुआ था। देन उसके बाद भाई हमको जो गेट नंबर मिला था वो था 8, तो उसके लिए ना भाई ऊपर जाना था। एंड तो भाई पापा ना दादी को एस्केलेटर में चढ़ाने के लिए ले गए। तो दादी को थोड़ा सा डर लग रहा था चढ़ने में, क्योंकि दादी भी मतलब बहुत ही कम चढ़ती है एस्केलेटर में एंड मम्मी भी बहुत कम चढ़ती है, तो दोनों को थोड़ा सा भाई डर लगता है। एंड हमको भी पता नहीं था कि भाई लिफ्ट होता है करके, मतलब हम लोग भी मतलब थोड़ा सा मतलब डरे हुए थे, हमको भी पता नहीं था कि लिफ्ट होता है। तो दादी एंड मम्मी स्टेयर्स में आ गए, ऊपर जाने के बाद पता चला कि भाई लिफ्ट होता है। तो हम लोग को तो भाई आदत था भाई बहुत चढ़ते रहते हैं एस्केलेटर में। एंड ऊपर पहुंचने के बाद भाई हम लोग ऐसे ही इधर उधर घूम रहे थे एंड भाई हर चीज़ एकदम ऑब्जर्व कर रहे थे एकदम डीपली। तो भाई देख सकते हो एकदम ऊपर पहुंचने के बाद भाई फर्स्ट टाइम भाई देखा भाई एक प्लेन खड़ा हुआ था जो कि वह था विस्तारा का। एंड उसमें भाई एविएशन फ्यूल डल रहा था, जो कि भाई वीडियोज़ में ही सुना था कि भाई एविएशन फ्यूल डलता है, कभी मतलब ऐसा देखा ही नहीं था कि एविएशन फ्यूल्स वगैरह डलते हुए। एंड थोड़ी देर बाद आधा घंटा बाद खड़े होने के बाद भाई गेट नंबर पे हमें बोर्डिंग पास चेक करने के लिए बुला लिया गया। एंड जो एक पैसेज रहता है जिसके थ्रू हमको प्लेन में जाना रहता है, तो हम उस पैसेज में आ गए थे। तो आगे बढ़ रहे थे एंड हम फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे एंड देख सकते हो भाई दादी इस टाइप से हाथ पकड़ के चल रही थी। एंड ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए जो कि मैं कैप्चर कर पाया। एंड एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट ये भी था कि मैं फ़र्स्ट टाइम भाई फ़्लाइट में लेके आ पाया था अपने फैमिली को,
एंड हर लोगों के लिए भाई, हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है भाई फ्लाइट में ट्रैवल करना। आपका भी अगर कुछ ऐसा स्पेशल मोमेंट होगा तो भाई नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो हम लोग ऐसे आगे बढ़ रहे थे एंड भाई देख रहे थे फ्लाइट को उड़ते हुए एंड जो होता है ना भाई लैंड करते हुए अलग अलग फ्लाइट को। एंड भाई ये देख सकते हो एक विस्तारा की फ़्लाइट थी जो कि भाई टेक ऑफ करने वाली थी। इसका भाई पूरा मैं वीडियो वगैरह बनाया था बट इसमें मैं डाल नहीं सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। देन ये जो पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज था इससे हम आगे बढ़ रहे थे एंड भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजन का नॉइज़ आ रहा था प्लेन के बाहर। जब भी आप प्लेन में घुसोगे ना भाई एंड प्लेन में जब तक बैठे रहोगे भाई इंजन का नॉइज़ आते रहता है। एंड घुसते साथ ही भाई देख सकते हो यहाँ पे तीन लेफ्ट साइड में जो देखे होगे सीट्स थे एंड तीन राइट साइड में सीट्स थे। तो हम लोगों ने भाई पहले से ही भाई, मतलब मैं जब प्लेन उड़ने वाला था उससे पहले ही भाई 48 आवर्स पहले ही भाई मैं दो विंडो सीट एंड दो उसके बाजू वाले सीट बुक कर लिया था जिसके लिए 700 एक्स्ट्रा लगे थे। एंड देख सकते हो इसमें ना भाई इस टाइप से कुछ प्लेट वगैरह रहते हैं यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं हर एक चीज़ को खोल खोल के देख रहा था भाई कहाँ पे क्या है एंड भाई मज़ा भी आ रहा था उस चीज़ पे। एंड सामने पे ना भाई मम्मी एंड पापा बैठे हुए थे एंड मेरे बाजू में दादी बैठी हुई थी। दोनों को विंडो सीट में बिठाया था, मम्मी को भी एंड दादी को भी, ताकि उनको अच्छे से पूरा व्यू देखने मिले। एंड बाहर देख सकते हो तो बाहर का भाई भी व्यू भी बहुत अच्छा था। एंड दादी बार बार बाहर देख रही थी एंड मुझे पूछ रही थी कि इतना बड़ा, मतलब मीन्स एक मशीन जो है इतने लोगों को बिठा के कैसे हवा में उड़ जाता है। उनको एकदम मीन्स हैरान लग रहा था सोच सोच के। एंड थोड़ी देर बाद भाई एयर होस्टेस जो है हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि इधर से इमरजेंसी गेट वगैरह रहता है वो सब बता रही थी। एंड थोड़ी देर बाद ना भाई प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाता है एंड अपने रनवे पे आ जाता है एंड स्पीड पकड़ने लग जाता है। तो जब स्पीड पकड़ने लगता है ना भाई तो बहुत स्पीड चलता है, आप मानोगे नहीं। जब तक आप बैठ के एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि कितना स्पीड रहता है, बहुत ज़्यादा स्पीड रहता है। देन धीरे से वो टेक ऑफ करने लगता है। तो भाई जैसे ही टेक ऑफ करते हैं ना भाई एकदम कान वगैरह अचानक से बंद होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब एक होता है ना कि हल्का सा सा इतना से लगता है एयर वेयर घुस जाता है टेक ऑफ होता है ना, हल्का से एकदम थोड़ा सा सुनाई कम देने लगता है, हवा आ जाता है ऐसा लगता है ना कान में, वैसा टाइप का होने लगता है। एंड ऊपर से भाई जब नीचे देखो तो बिल्डिंग वगैरह बहुत छोटे छोटे से दिख रहे थे एंड ऐसा फील हो रहा था कि भाई हम भी वो चिड़िया की तरह है जो आसमान में उड़ते हुए नीचे जब देखते हैं तो उनको भी ऐसे दिखता होगा। ये चीज़ सोच भी रहे थे। तो जब तक ना भाई प्लेन थोड़ा सा ऊपर तक उड़ता है तब तक बहुत अच्छा लगता है। एंड जैसे ही वो बादलों के ऊपर जाते हैं ना तो भाई कुछ फिर नीचे दिखता नहीं है। तो भाई तब उस टाइम पे सिर्फ भाई बादल इम्पॉर्टेंट ही रहते हैं। तो भाई ये सब देखने के बाद भाई थोड़ी देर बाद भाई एयर होस्टेस आ जाती है एंड पानी वगैरह देने लगती है। पानी जो रहता है भाई वो फ्री रहता है तो आप पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड थोड़ी देर बाद भाई मैं एक्सपीरियंस करने के लिए ना भाई मैं वॉशरूम चला जाता हूँ देखने के लिए कि भाई कैसे रहता है, क्योंकि भाई फ़्लाइट जो था ज़्यादा टाइम का नहीं था, सिर्फ एक घंटे का था। एंड भाई देख सकते हो बहुत ही कम स्पेस था इसके अंदर में। तो भाई जब भी आओगे ना भाई एक बार फ्लाइट के वॉशरूम में ज़रूर घुस के देखना भाई, बहुत कम स्पेस रहता है। एंड भाई कैसे इन लोग इतने छोटे जगह के लोग भाई बनाए रहते हैं, मेरे को तो यही समझ के भाई एकदम अजीब लग रहा था कि कैसे भाई एकदम पैक किए रहते हैं इस चीज़ को भाई, एकदम आप ठीक से खड़े नहीं हो सकते इस जगह पे। एंड ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद भाई एक घंटे की फ़्लाइट था जिसमें मेरे को प्रॉपर हर एक चीज़ देख लेना था फ़्लाइट के अंदर का कैसा क्या रहता है। तो भाई जैसे ही भाई प्लेन नीचे आता है ना भाई उस टाइम फिर थोड़ा सा बढ़िया लगने लगता है, क्योंकि जब तक वो बादल के ऊपर उड़ता है तो भाई सिर्फ बादल ही बादल दिखता है, वो थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। तो जैसे ही नीचे आता है ना भाई तो पूरा एकदम सब बिल्डिंग वगैरह देखते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट लगता है। एंड भाई जब भी प्लेन में बैठो भाई इसके फ्लैप्स को देखते रहना, क्योंकि इसका फ्लैप्स का ही पूरा खेल रहता है। मतलब वो प्लेन जब उड़ता है तो जब भाई थोड़ी देर पहले आप देखोगे तो फ्लैप्स पूरे सीधे थे एंड थोड़ा सा भी कर्व हो गया है क्योंकि प्लेन लैंड करना चालू हो गया था, धीरे धीरे नीचे आ रहा था। तो एंड देख सकते हो ज़मीन के बहुत ही करीब आ चुका है एंड फ्लैप्स जो है वो नीचे तरफ खुल गए हैं। एंड जैसे ही देखो ना भाई लैंड होगा ना भाई तो वो जो एक ठो उसके जो पीछे वाले फ्लैप्स है वो भी खुल जाएंगे ताकि जल्दी से प्लेन जो है ब्रेक लगा पाए। तो भाई अच्छे एकदम भाई पूरा फ्लैप वगैरह देख के ना भाई डर, मतलब जब उड़ रहा था ना भाई वो फ्लैप हिल रहा था थोड़ा, देख के भाई डर भी लग रहा था कि भाई कुछ दिक्कत ना हो जाए। ऐसा सच कोई दिक्कत होता नहीं है बट हम लोग पहली बार बैठे तो थोड़ा सा ऐसे ही बस भाई बेफिक्र, मतलब बेफालतू का टेंशन ले रहे थे बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो भाई प्लेन लगने के बाद भाई वो 10 मिनट्स लगता है जो ब्रिज रहता है वो लगने में प्लेन में एंड उसके बाद सब पैसेंजर उतर जाते हैं। हम लोग बैठे रहते हैं क्योंकि भाई व्हील चेयर का रिक्वेस्ट डाला रहते हैं।
ताकि व्हील चेयर आए, क्योंकि कोलकाता का जो एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा है। हम लोग बोले थे, मतलब सोचे थे कि भाई दादी को उसमें बैठा के ले जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली आता नहीं है, क्योंकि प्लेन में बैठने से पहले हमें एयर होस्टेस भी बोलती है कि आप लास्ट में उतरना, बट पता नहीं क्यों नहीं आता है। देन उसके बाद हम लोग अपना बैग के लिए वेट करने लगते हैं, तो बैग का भाई बहुत टाइम से वेट करने के बाद भाई कुछ माल फंक्शन होता है, एंड भाई जो ये जो देख रहे होगे ना भाई, जिसमें से बैग आता है ये भी रुक जाता है, एंड आधे घंटे तक भाई रुकने के बाद कोई मैकेनिक आता है उसको बनाता है, एंड फिर चालू हो जाता है वापस से बैग आना। इसके लिए भाई बहुत टेंशन हो रहा था फालतू का, इतने देर के लिए हम लोग को लेट भी हो रहा था कि खड़े खड़े। दैन उसके बाद भाई फाइनली बैग आ जाता है, एंड हम लोग भाई एयरपोर्ट के बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही भाई कोलकाता का वेदर बहुत बेकार, मीन्स बहुत ही चिपचिपा सा वेदर रहता है, तो बहुत गर्मी से एकदम लगने लगता है। एंड हम लोग जल्दी से भाई टैक्सी बुक करते हैं, क्योंकि हम लोग को कहीं और भी जाना रहता है। तो भाई व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, एंड अगर अभी तक आप वीडियो देखे हो, मतलब देख रहे हो, तो भाई उसके लिए भाई बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा ना, तो भाई अपने भाई को सपोर्ट करो, 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने में जल्दी से जल्दी मदद करो। एंड भाई मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, एंड भाई व्लॉग कैसा लगा भाई नीचे कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए भाई बाय बाय।